अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फिश। फिश का सालन बनाएंगे हम। देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमने 1 किलो फिश ले ली है। आप कोई भी फिश लें। इसके लिए लहसुन अदरक है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, उसको बीच से काट दिया हमने 10-12 जवे। लहसुन के हैं 10-15 जवे। मिर्ची 1.5-3 चम्मच है। इसमें दोनों मिर्च हमने मिक्स की है, कलर वाली और तेज़ वाली। धनिया भी हमारा 3 चम्मच है। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई है, 1 इलायची और नारियल का टुकड़ा है। इसमें हम और कोई गरम मसाला नहीं यूज़ करेंगे। 2 टमाटर हैं, थोड़ा आमचूर पाउडर है, 1 चम्मच मेथी दाना है। इसे हम अपनी उसको बघार देंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे। एकदम लो फ्लेम पर ही रखेंगे क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। मेथी का दाना थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसमें डाल देंगे हम अपना कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमने ऐड कर दिया है। हमने जो अदरक लहसुन दिखाया था आपको वो पीस दिया, उसका पेस्ट बना दिया है। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालते हैं इसलिए 15 से 20 कलियाँ हमने ले ली हैं। इसमें डाल देंगे अपना मिर्ची धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, इसमें देखिए जो हमने नारियल का टुकड़ा दिखाया था वो, ज़ीरा, इलायची, ये सब हमने एक साथ पीस लिया है। पीस के उसका पेस्ट बना दिया है, उसको भी हमने ऐड करके अच्छे से चला दिया। तो टमाटर जो 2 थे उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दिया। हमने नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने पसंद के हिसाब से डाला जा सकता है। वैसे मैंने 1 चम्मच नमक भर के 1 चम्मच नमक डाला है। बाद में चख कर टेस्ट करके देखेंगे, अगर कम लगा तो और नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड किया है। देखिए इसको हम ढक्कन लगा देंगे, 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। इधर हमने देखिए 1 प्लेट में आटा लिया है, उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी मिला दिया है। इसमें हम ये आटा हम फिश के ऊपर ऐसा कोटिंग करेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। ऐसा हम एक एक पीस लेंगे और उसको अच्छे से आटे का कोटिंग दे देंगे। इधर हमने पैन रख दिया, अब उसमें तेल डाल देते हैं। मछली तलने के लिए हमने तेल डाला है। देखिए इधर हमने सारे पीसेस में अच्छे से आटे की कोटिंग दे दी है। इधर हमारा तेल भी गर्म होने वाला है, उसमें डाल देंगे अपने फिश। एक तरफ इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ भी गोल्डन फ्राई होने देंगे। इस तरह इधर मसाला देख लेते हैं। मसाला भी हमारा होने को बिल्कुल तैयार है। देखिए तेल किनारे किनारे पर छोड़ चुका है और मसाले का एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। इधर हमारे फिश भी एक तरफ देखिए हो चुकी हैं। अब इसको धीरे धीरे एक एक पीस को इस तरह हम पलटेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी फिश को फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से तल कर डालने पर सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको थोड़ा और से चलाते हुए हम भूनेंगे। एकदम अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए टमाटर भी बिल्कुल गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हमने अपना पानी ऐड कर दिया। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, थिक चाहिए, पतली चाहिए, जैसा भी चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1.25 लीटर पानी ऐड कर दिया है। फिश डालने के बाद अपनी ग्रेवी और थिक हो जाती है। अब इसको ढक के रख देंगे, बॉयल होने देंगे। अब देखिए ये पैन में जो हमारा ऑयल है, इसको ऊपर से किसी प्याले वाले में ऐसे अच्छे से निकाल लेंगे संभाल के, और नीचे जो आटा तलने के बाद छूट गया है वो सब आटा हम अपने सालन में डाल देंगे। अभी मैं आप करके बताती हूँ आपको। देखिए ऊपर से हमने तेल निकाल दिया था, नीचे जो आटा तलते वक्त तेल में आ गया था वो हमने इसमें ऐड कर लिया। इससे फिश के सालन में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। पूरा ऑयल डाल देते तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, इसलिए हमने ऑयल को ऊपर से अच्छे से निकाल दिया है। इसमें देखिए हम थोड़ा आमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं। अभी हमारा ग्रेवी अच्छे से पक रही है। अब एक एक फिश करके इसमें हम डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस को हमने बंद कर दिया है, और फिश को अपने इसमें ऐड करके हल्के से चम्मच से थोड़ा हिलाकर अंदर सारा सा डुबा देंगे सालन के अंदर, और ढक्कन को 10 मिनट ढक कर खोलेंगे नहीं, 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। ढक्कन लगा दिया। देखिए 10 मिनट के बाद इसको ढक्कन को हटाएंगे। हाँ देखिए 10 मिनट हो गया है, कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है सालन में, और बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से बनाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।